मेरठ के मचेरान भूसा मंडी में आग से तबाह हुए 200 से ज्यादा परिवार खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। इन परिवारों के पास ना तो खाने पीने के लिए कुछ है और ना ही कोई जमा पूंजी। सरकारी मदद मिलने में कितना समय लगेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने पीड़ितों की मदद के लिए 25 लाख रुपए देकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मैंने प्रशासन से भी डिमांड करी थी, डीएम जिलाधिकारी से मांग करी थी कि इनको 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और इनके मकान जो झुग्गी झोंपड़ी इनके मकान जले हैं इनको मकानों को पक्का बनवाया जाए, लेकिन प्रशासन की कान पे जू नहीं चली। ये एक दोरापन है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोरापन हो रहा है, क्योंकि पीड़ितों के लिए हर जगह मदद की जाती है लेकिन यहाँ का प्रशासन खोया पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके हम पीड़ितों की मदद करेंगे और मैंने भी जो मदद करी है 25 लाख रुपए की और आगे भी इंशाल्लाह जरूरत होगी तो मैं आगे भी मदद करता रहूंगा। इतना ही नहीं, इन पीड़ितों की मदद के लिए कुरैशी ने 4 डॉक्टरों की टीम भी मौके पर तैनात कर रखी है और पीड़ितों की हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 मार्च की शाम मचेरान की भूसा मंडी में आग लग गई थी, जिसमें 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। मेरठ से आदिल रहमान, पंजाब केसरी टीवी।